चलते हैं। जय माता दी। पहुंच गए होंगे फाइनली, लेकिन यार यहाँ आए हो तो वर्थ इट है। वो पहाड़ के नीचे से चल रहे हैं और हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग, और वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और भाई इस टाइम मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, दिल्ली के छोटे से रेलवे स्टेशन पे, सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ का भी प्लान मेरा कुछ ऐसे पहले नहीं बना हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं, अब माता का बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा, तो इसीलिए जा रहा हूँ दर्शन करने। अब उसके आगे एक और जगह जाना है, वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। जो जम्मू मेल है ये यहाँ से ओल्ड दिल्ली से चलती है शाम को 8 बजे, और माता वैष्णो देवी कटरा तक इसका लास्ट स्टॉप है। तो काफ़ी सही ट्रेन है, मतलब 12 घंटे लेती है, वैसे तो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन इस ट्रेन में एक फ़ायदा होता है कि आपको एंड टाइम तक की जो है सीट्स मिल जाती है। तो मैंने रिज़र्व करवाई तो मेरे को कंफर्म सीट मिल गई। तो फिलहाल अभी मैं वेट कर रहा हूँ, और भाई गर्मी बहुत हो रही है। प्लेटफॉर्म का कुछ हाल इस तरीके का है, आप देख सकते हो इतनी भीड़ है। वहाँ सामने भी एक ट्रेन जो है वो जा रही है, अभी रुकी थी वो। छोटा सा स्टेशन है तो यहाँ ज़्यादा देर रुकती नहीं है ट्रेन, और 8:15 होने वाले हैं। ये देख सकते हो सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, भाई भीड़ बहुत है। मैंने तो इसी वजह से यहाँ की टिकट करवाई कि ये जो है मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पे है, और जो ओल्ड दिल्ली है उसके लिए मुझे आधा एक घंटा लग जाता जाने में। ये देखो भाई, इंडिया में इलीगली लोग ट्रैक्स क्रॉस करते हुए। तो गाइज ये मेरी ही ट्रेन है जो आ रही है, वो दिख रही होगी लाइट। और भीड़ देखो यार, भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई है, पूरे टाइम पे है ट्रेन जो है वो खचाखच भरी पड़ी है। मतलब चाहे वो स्लीपर हो, चाहे वो थर्ड एसी हो, और जनरल की तो हालत आप देख ही सकते हो। लेकिन मुझे क्या, मेरा तो सेकंड एसी बुक हुआ है, और थर्ड एसी में भी भाई कुछ एक्स्ट्रा लोग ही दिख रहे हैं मेरे को, ये थर्ड एसी जा रहा है। आई होप यहीं पर आएगा मेरा जो कोच है भाई, ये जाता हुआ A1 कोच, आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई सीट मिल गई है मेरे को, लेकिन सीट तो भाई बहुत छोटी है। मैं नॉर्थ ईस्ट जब गया था तभी मैं सेकंड एसी से गया था, लेकिन ये सीट तो भाई उसके मुकाबले आधी है, ये देख सकते हैं आप। मतलब ये थर्ड एसी जितनी सीट भी नहीं है। मैं ऐसे बैठ रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को, मैं ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, और हाइट भी देखो सिर लग रहा है मेरा यहाँ। मैं हमेशा प्रेफरेंस में डालता हूँ कि साइड अपर वाली सीट मिले मेरे को, क्योंकि उसमें थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन मुझे यहाँ लग नहीं रहा उस चीज़ का कोई बेनिफिट हुआ है। ट्रेन जो है भाई वो ऑलमोस्ट फुल है, और चाय भी आनी शुरू हो गई है, वहाँ भी फुल है, और एकदम गेट के साथ वाली सीट है मेरी। ये देखो भाई कितनी भीड़ आ गई, ये सारी जो है ये जनरल डब्बू की है, और वहाँ पे उन्हें सीट नहीं मिली होगी तो ये लोग यहाँ आ रहे हैं। लेट थी, 8:30 बजे पहुंचना था, लेकिन 9:30 बजे पहुंचाया। कोई नहीं, थोड़ी सी चढ़ाई वाली रास्ते पे कभी कभी लेट हो ही जाती है वैसे। मतलब जब मैं लास्ट टाइम कश्मीर आया था तो भी यही सीन था। और भाई यहाँ एक और चीज़ है कि जैसे ही जम्मू एंटर करते हो आप, आपके सिम नेटवर्क बंद हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर यहीं की सिम ही चलती है। तो मेरे पास अभी कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, कोई मेरे पास इंटरनेट नहीं है, कॉल कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं किसी से कॉल भी नहीं कर पा रहा। और
लेकिन अब कोई नहीं, इस जगह का यही मज़ा है। लेकिन अगर आप भी ऐसे आओ और आपको ये दिक्कत हो रही हो तो आप यहाँ से लोकली सिम परचेज कर सकते हो, 100-150 रुपये में आपको सिम मिल जाएगी और वो एक महीने के रिचार्ज के साथ मिलती है। 100-150 तो नहीं, 250 रुपये के आसपास आपको सिम मिल जाएगी और अपना यूज़ करके आप जो भी आपने 1-1.5 हफ्ते यहाँ रुकना है आप वो करके फिर वो सिम जो है डिस्कार्ड कर सकते हो या आगे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसकी वैलिडिटी तो रहती है, आई गेस 1 साल तक रहती है। तो अभी तो ये सिचुएशन है कुछ, और भाई मेरे को जैसा लगा था कि यहाँ मौसम बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ भी दिल्ली जितनी गर्मी है। मे भी अभी सुबह का टाइम है इसीलिए सूरज इतना सिर पे है इस टाइम, शाम होते होते तक क्या पता थोड़ा ठंडा हो जाए। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से, यहाँ मैं कुछ खा लेता हूँ, भूख लग रही है भाई मेरे को बहुत तेज़, तो कुछ खाने के बाद फिर आगे चलते हैं। अभी यहाँ से मेरे को बस स्टैंड जाना है, तो देखता हूँ बस मेरे को कहाँ से मिलती है बस स्टैंड की। तो भाई जो इसका बस स्टैंड है, मैं रेलवे स्टेशन से निकला था, तो वहाँ से निकलते ही सामने जाओगे तो वहाँ से पहले लेफ़्ट लेके आना है आपको, और 200-300 मीटर की वॉक है। उसके बाद एक राउंड अबाउट से गोल चक्कर से आपको राइट साइड मुड़ना है, और यहाँ पे HDFC बैंक भी है, तो आप वैसे भी किसी से पूछ लोगे तो वो बता देंगे। और भाई अभी थोड़ा सा यहाँ जैसे चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो रहा है, तो एक वो जो है बढ़िया चीज़ लग रही है मेरे को। अभी चलते हैं आगे भाई, यहीं मेरी सांस फूल रही है, तो अभी आगे चलने में तो पता नहीं क्या होगा। तो भाई अब वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था बस स्टैंड, मैं आया तो मेरे को 5-7 मिनट 10 मिनट लगे हैं मैक्सिमम, और अब यहाँ पे मैं बस स्टैंड पहुँच गया हूँ। ये देखो मेरे पीछे ये सारा बस स्टैंड वाला एरिया, और भाई भूख लग रही थी तो मेरे को यहाँ पे ये छोले कुलचे ये उसमें देते हैं बर्गर वाले बन में, तो ये मेरे को लास्ट टाइम का याद है, मैंने ये खाया था तो मेरा बड़ा मन कर गया, मैं कहा खाते हैं भाई। तो अभी ये खा के, और भैया ने बताया कि यहाँ पे पहले एक कार्ड बनवाना पड़ता है, तो वो कार्ड का जो काउंटर है वो सामने ही है, तो उसमें ID चेक करता है, कार्ड बनाते हैं, और यहीं से ही सामने से ही यात्रा के लिए जो है वो स्टार्ट है। पहले तो ये देखो ये खा रहा हूँ मैं, क्या मस्त लग रहा है। और ये कुछ सेटअप है भैया का छोटा सा, और ये बस स्टैंड है देख लो यार, उस साइड से मैं आया हूँ, वहाँ से आके अब यहाँ पे सामने जहाँ वो बस जा रही है वहाँ पे वो काउंटर है, तो वहाँ से अपना ID कार्ड बनवा के और फिर ये सामने की तरफ जाना है। तो वहाँ से मैं आया हूँ उस तरफ से, ये बस स्टैंड ही है अभी, और इस तरफ आके ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और यहाँ जाना है मेरे को। और ये देखो यार इसका ये ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम भी लिखा हुआ है। तो गाइज ये पास बनवा लिया मैंने, देखो कुछ इस तरीके का ID कार्ड बनता है। पास का कुछ ये नज़ारा है, ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं, और ये देखो यहाँ सारी मार्केट वार्केट है, तो कुछ खरीदना वरीदना वो ले सकते हो, शॉल वॉल या कुछ ठंड के लिए स्कार्फ लेना हो या कोई बैग वैग लेना हो वो भी मिल जाएगा, और सिम कार्ड आपको ऑलमोस्ट हर दुकान पे मिल जाएगी यहाँ पे। तो मेरे को रास्ते में दिखाए यहाँ टैटू वैटू भी बनवा सकते हो आप, परमानेंट है ना। तो भाई अगर आप लोगों को टैटू बनवाने हैं तो आप वहाँ से बनवा सकते हो, बस इसमें एक चीज़ की कमी रहेगी, हाइजीन की ऑफ कोर्स। तो जो जिन लोगों को सस्ते में काम करवाना है वो भाई यहाँ से टैटू बनवा सकते हो बिल्कुल। अभी फ़िलहाल मैं ये सब इग्नोर करता हुआ चल रहा हूँ, और ये देखो यार मेरे पीछे सारी मार्केट है यार। एक रास्ते में ये मेरे को एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ दिखी, मतलब स्ट्रेंज तो क्या कहेंगे, बट ये देखो यार ये जय माता दी वाले सारे टांग रखे हैं लोगों ने पूरा, बताओ इस एरिया में देखो वहाँ तक है। यात्रा शुरू हो गई है, ये आप मेरे पीछे देखो सारा रास्ता वैसे वाला शुरू हो गया है जो सीमेंटेड रास्ता है, तो अब चलते हैं, जय माता दी। ये देखो यार भीड़ इतनी हो रही है अभी, देखो यार पानी भरने का क्या बढ़िया सा बना हुआ है, माता का शेर बना हुआ है और उसके मुंह से पानी आ रहा है, ये देखो नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, ये पहाड़ों से आ रहा है और सीधा भर सकते हो भाई, बहुत ठंडा पानी आया है।
रास्ते में फ़ोटो स्टूडियोज़ भी बने हुए हैं, तो आप फ़ोटो वोटो भी खिंचवा सकते हो। सामान वामान लेने की तो दुकानें हैं ही, तो आपको ऊपर से सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते में सारा सामान मिलता है। और भाई ये देख लो, ये मैं बाणगंगा पे आ गया हूँ। भाई अभी चलते हैं, गर्मी तो लग रही है क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ मैं। वैसे जो है मौसम ठीक हो गया एकदम, और फिलहाल यार यहाँ पे देखो ये फोटो स्टूडियो मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे, ये देखो एक और। भाई आप यहाँ पे आके फ़ोटो वोटोज खिंचवा सकते हो, जैसे ऊपर मंदिर में अलाउड नहीं है फ़ोटोज़ खिंचवाना, तो वही एकदम रेप्लिकेट कर रखा है पूरा ये इन्होंने, तो यहाँ खिंचवा सकते हो। ये स्टूडियो बना रखा है ऐसे। भाई आगे और भी बहुत स्टूडियोज हैं और ये दुकानें हैं, प्रसाद वसाद लेना हो तो, खाने पीने की भी दुकानें हैं। ये देखो गाइस, जितना सोचा था उससे तो 10 गुना ज़्यादा मुश्किल लग रही है मुझे ये चढ़ाई। अभी आधी भी नहीं हुई है, मेरी हालत जो है ख़राब हो गई है। लेकिन आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि भाई बार बार पानी पीते रहना, वरना बुरी हालत हो जाएगी। मैं अब तक कम से कम 3 बोतल पानी पी चुका और अभी भी चल रहा हूँ भाई। और भाई रास्ता कुछ ऐसा है, ये देखो खाने पीने की दुकानें भी हैं, जूस भी मिल रहा है। तो भाई पहला मंदिर आ चुका है, ये देखो भाई फाइनली एक बोर्ड दिखा अधकवारी का, 3 किलोमीटर, मतलब यार काफ़ी हद तक ऊपर आ गया हूँ मैं। इस हिसाब से मुझे तो लगता है मैं आज ही चढ़ाई करके दर्शन करके और वापस उतर भी सकता हूँ, देखते हैं जैसे भी होता है। तो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ, वेलकम टू अधकवारी सेक्टर। तो भाई ऑलमोस्ट अब पूरा रास्ता हो गया, अभी मतलब 1 किलोमीटर और रह गया हुआ। भाई बहुत तेज़ भूख लग रही थी और रास्ते में मुझे ये एक भोजनालय मिला, यहाँ से मैं लास्ट टाइम भी खाया था, और मतलब मैं उसी जगहों पे रुक रहा हूँ जहाँ मैं लास्ट टाइम रुका था, मेरे थोड़ा सा तो याद है। तो अब इस पर रुका हूँ और भाई ये राजमा चावल का टोकन लिया। और भाई वो ये भोजनालय इंद्रप्रस्थ भोजनालय जहाँ मैंने खाया है, खा के मज़ा आ गया, पेट भर गया। क्या राजमा चावल थे, आप लोग आओ ना तो आप लोग भी ज़रूर इस जगह तो ज़रूर खाना, क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़िया और भाई टेस्ट तो जो है वो मज़ा ही आ गया, मतलब एकदम पेट पूरा भर गया बढ़िया। सुबह से कुछ खाया नहीं था लेकिन अब ये राजमा चावल खाया तो मज़ा आ गया। तो भाई फाइनली इतना थकने के बाद बालों की हालत देखो यार क्या हो रही है, और पहुंच गया हूँ मैं फाइनली भवन पे, उस तरफ है देखो भाई पूरा भवन। तो गाइस टू माय सरप्राइज यहाँ पे सागर रत्न और डोमिनोज दोनों है यार, सही है। और भी कुछ फेमस रेस्टोरेंट है अंदर, यहाँ से राइट की तरफ ऊपर जाओ तो। भाई ये देखो कितनी भीड़ हो रही है, यहाँ से आना है ये देखो। एक जगह मैं दर्शन करके आ गया था जो भैरव मंदिर है, तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फ़ोन अलाउड नहीं थे तो बाहर रखना पड़ा था लॉकर में, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ माता के भवन में और
बैग वहाँ भी अलाउड नहीं है, यहाँ लॉकर सर्विस है तो बैग और जूते उसमें रख दिए मैंने, और फ्री सर्विस है, आप लोग भी आओ तो कुछ अगर कोई पैसे वैसे मांगे तो पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपने देखा ही था मेरा कितना बड़ा बैग था भाई, वो एक लॉकर में आ गया, तो काफ़ी स्पेशियस लॉकर है, तो क्योंकि फैमिलीज आती हैं तो एक ही उसमें सबका सामान रख सकते हैं। अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं, एक ही वाला पाउच है बस मेरे पास अभी। गाइस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी जो है वो अलाउड नहीं है, हैंडबैग और आपका स्मार्ट वॉच, कैमरा, मोबाइल, सोप, क्रीम, यहाँ तक कि जो है वॉलेट भी अलाउड नहीं है। तो अब मैं ये जो है ये सारा रख के आ रहा हूँ और लॉकर में ही रखना पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। और शॉर्ट्स और केपरीज भी अलाउड नहीं है, तो अगर आप लोग वो भी कोई भी पहन के आया होगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा पाऊँगा, बट आप लोगों की तरफ से मैं दर्शन कराता हूँ। ये देखो गाइज, रिक्वेस्ट टू ऑल यात्रीज, दीज आइटम्स आर नॉट अलाउड। तो गाइज मैं दर्शन करके आ गया, जैसे कि आप देख सकते हो टीका भी कर लगा रखा है, और भाई जो एक्सपीरियंस था, मतलब लिटरली मेरा यहाँ आना, मेरे को पहले लगा यार इतना थक गया मैं और क्या यार, बीच में एक दो बार लगा कि यार ये तो बहुत लंबा रास्ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन यार यहाँ आए हो तो वर्थ इट है वो। और भाई अंदर वो जो, अगर आप लोगों ने देखी हो, अगर आरती देखते हो तो भाई वो जो गुफा दिखाते हैं, लिटरली उससे मतलब 5 फीट 7 फीट की दूरी पे मैं खड़ा था, और भाई वो क्या सही लगता है, मतलब मुझे तो हर बार जब आता हूँ हर हमेशा यही जब भी देखता हूँ तो भाई उस टाइम गूज़बम्स आ जाते हैं। वो देखा और अंदर गुफा में भी गए भाई, वो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस होता है भाई वो वाला। तो भाई अब जो भी है बहुत मज़ा आया, अब मैं वापस जा रहा हूँ, और आई होप मैं वापस आखिरी तक पहुँच पाऊँ, एनर्जी बचे मेरे में, क्योंकि भाई मेरी हालत तो ख़राब है। एक चीज़ अभी मैंने पीछे नहीं दिखाई थी जब मैं वापस जा रहा था, तो उस टाइम क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर थे तो मैं फ़ोन नहीं निकाल पाया, लेकिन यार ये देखो मतलब पहाड़ के नीचे से चल रहे हैं और नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है यार ये देखो। और मतलब पहाड़ से कॉन्टीन्यूस जो है वो पानी की ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पूरा पहाड़ जो है वो गीला है, और ये देखो कुछ इस तरीके का है। लेकिन अचानक रास्ते में मुझे कुछ अनोखा दिखता है, ये एक के ऊपर एक पत्थर रखे होते हैं, और एक दो नहीं कई सारे रखे होते हैं, जिसका राज मुझे वहाँ से गुजरते हुए एक अंकल बताते हैं कि अगर आपको अपना घर बनाना है और उसकी इच्छा है तो आप ऐसे ही एक के ऊपर एक पत्थर रख दो तो माता रानी इच्छा पूरी करती है। तो गुड मॉर्निंग गाइज, और एक आज वापस से नया दिन है, कल मैं वापस आ गया था, मुझे वापस आने में अराउंड 2.5-3 घंटे लगे, मैंने 6 बजे शुरू किया था वापस उतरना और मैं 8:30-9 तक वापस उतर गया था, लेकिन भाई हालत इतनी ख़राब थी मैं वीडियो भी नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। मैं वहाँ उतरा और वहाँ से फिर मैं यहाँ रेलवे स्टेशन आया, यहाँ पे डॉर्मेट्रीज बनी हुई हैं और काफ़ी सस्ते रेट में यार, मतलब 203 रुपये में मेरे को बेड मिल गया। मैं आया, जैसी बेड पे मैं लेटा भाई, उसके बाद तो मैंने खाने पीने का तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरे को इतनी नींद, इतना थक गया था मैं, मेरे पैर इतने दर्द हो रहे थे भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप एक दिन में ऊपर चढ़ो और वापस भी आओ एक दिन में, मतलब जो बंदे अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वापस एक दिन में ही नीचे आओ। तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि भाई जैसी मेरे को बेड दिखा भाई, मैंने बैग रखा अपना, खुद लेटा उस पर, मैंने कपड़े उपड़े भी चेंज नहीं करे, लेटते ही मेरे को ऐसी नींद आई कि मैं सीधा डायरेक्ट सुबह उठा। और बस यहाँ अभी जो है मैं वापस जा रहा हूँ, और आपको आगे वाली वीडियोस में पता चलेगा मैं एक और जगह जा रहा हूँ इसके बाद। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और इस वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। बाकी मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दस दानिया, जय माता दी।